हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियम के बारे में पढ़ा जिसको हम लोग गॉस का नियम कहते हैं और वो गॉस का नियम हमने इस तरह से लिखा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाय एप्सल नॉट और कई उदाहरण हमने लिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था तो हमने उसका डाइवर्जेंस करके और क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किस जगह पर कितनी चार्ज की डेंसिटी है वो फंक्शन यहाँ से कैलकुलेट किया ये देखा अब इसी का एक इंटीग्रल फॉर्म भी है जो आपका बहुत जाना पहचाना है आपने बहुत सारा पढ़ा होगा उससे कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले होंगे और वो इंटेग्रल फॉर्म ऐसा है कि आपको एक वॉल्यूम की कल्पना करें किसी प्रकार के एक पूरे वॉल्यूम की कल्पना करें और उस वॉल्यूम में तो ये वॉल्यूम है कोई इसको आप एज अ टॉ हम लोग ये सिंबल वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे और इस वॉल्यूम पर इसको इंटेग्रेट करें क्या अर्थ इसका ऐसे पहले हम लिखें फिर बताएं डाइवर्जेंस ऑफ ई डी टॉ इक्वल टू इंटाग्रेशन रो बाई एप्सल नॉट डी डिटो अर्थ क्या हुआ अर्थ हुआ कि ये जो पूरा वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के अंदर हम छोटे 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 वॉल्यूम्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले और कोई एक छोटा वॉल्यूम जो अंदर में है अंदर में उसको हम लोग डी डीटो ऐसा लिखेंगे और ये वॉल्यूम हम पूरे यहाँ लेंगे यहाँ लेंगे वहाँ लेंगे वहाँ लेंगे पूरे वॉल्यूम के अंदर में हर जगह डिटो 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 लेकर के और पूरे स्टॉक को वैसे हमने बांट के रखा है और कोई एक पकड़ा हमने और उस जगह पे हमने इस डाइवर्जेंस ऑफ ई का मान देखा जिस जगह पे ये डीटा बनाया है हमने उसी जगह पर अगर हमने एक्सेस अपने बनाए तो ये जो पोजीशन है ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे और हमने ये बनाया है तो इसी पोजीशन पर क्या है डायवर्जेंस ऑफ ई का मान ये हम यहाँ पर लिखें और फिर ये जो डिटो हमने लिया है आयतन जितना लिया है वॉल्यूम जितना लिया है उस डिटो से उसको मल्टीप्लाई करें और ऐसा हर डिटो के लिए करें हर एक डिटो के लिए ऐसा करके और फिर सबको जम करें तो वो कहलाएगा इंटेग्रेशन तो इसको हम लोग वॉल्यूम इंटेग्रेशन कहेंगे है ना यह है वॉल्यूम इंटेग्रेशन क्योंकि ये एक वॉल्यूम एक आयतन पर हिस्से बना करके और तब ये इंटीग्रेट किया जा रहा है तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसी तरह यहाँ देखें तो जिस जगह हमने ये डिटो लिया है उस जगह पे जो चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इस डिटो में अगर कोई चार्ज डी क्यू है तो बटा डी क्यू बटा डिटो ये यहाँ की चार्ज डेंसिटी कहलाएगी तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है रो उसको लिखें डिवाइडेड बाय एप्सलन नॉट है और फिर से उसको डीटो से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ का चार्ज बनेगा रो इंटू डीटो ये यहाँ का चार्ज बनेगा और ऐसा ही हम पूरे में सभी डीटो पर यहाँ वहाँ 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 इसको करके जोड़ दें तो वो ये राइट हैंड साइड है इसलिए राइट हैंड साइड में आप आराम से देख सकते हैं इस एप्सलन नॉट को अगर आप बाहर ले लें तो हम पहले इधर का पार्ट लिखें डाइवर्जेंस ऑफ ई डीटो इज इक्वल टू वन बाय एप्सल नॉट यहाँ लिख लें रो डिटो और ये वॉल्यूम के ऊपर है वह सेम वॉल्यूम जो इधर वही वॉल्यूम इधर ये इसको आप देख सकते हैं कि ये टोटल चार्ज कितना है इस वॉल्यूम के अंदर में वो ये बन गया क्योंकि तो ये जो रो डिटो है ये रो डिटो इतनी दूर का चार्ज है इस डिटो के अंदर का चार्ज है इसी तरह से रो को डिफाइन नहीं करते हैं चार्ज डेंसिटी ये रो जो है ये चार्ज डेंसिटी है और चार्ज डेंसिटी का अर्थ है डिक्यू डिटो इतने वॉल्यूम में जितना चार्ज है अब वॉल्यूम से भाग लगा दें तो चार्ज डेंसिटी कहलाती है इसलिए रो डिटो बराबर डिक्यू है ये और ऐसा डी क्यू यहाँ डी क्यू यहाँ डिक्यू वहाँ 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 पूरे वॉल्यूम के अंदर में डिटो डिटो में ढूंढ ढूंढ करके सबका चार्ज डिक्यू डिक्यू लिख के दिक्यु, दिक्यु जोड़ दे तो क्या बनेगा बनेगा कि उस वॉल्यूम के अंदर में टोटल नेट चार्ज कितना है कहीं पे वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है कहीं पॉजिटिव भी हो सकता है तो सीधा जोड़ है वो कुल मिला के प्लस माइनस कर वर के जो अंत में इसके अंदर में जितना टोटल चार्ज है नेट चार्ज है वो यहां निकल करके आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं Q इन साइड ओवर एप्सलन नोट इनसाइड यानी जो वॉल्यूम है इसके अंदर और इधर का जो इंटेग्रेशन है वो एक बहुत सुंदर थियरम है हम चर्चा कर चुके हैं इसकी जिसको कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थियरम और वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जरूरी नहीं किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए वो लागू है और उसके अनुसार ये बराबर है सरफेस इंटेग्रेशन क्लोज सरफेस इंटेग्रेशन और ई डॉट डी ए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये कोई भी वेक्टर फील्ड अगर है डाइवर्जेंस उसका अगर आप लें और उसके बाद उसको वॉल्यूम किसी वॉल्यूम के ऊपर आप इंटीग्रेट करें जैसे अभी हमने यहाँ पर इस डाइवर्जेंस और ई e को इंटीग्रेट करने का मतलब बताया उस अनुसार इसका आप करें और दूसरी तरफ आप उसी वेक्टर फील्ड को और सरफेस इंटीग्रेशन करें कहाँ उस वॉल्यूम की जो बाउंड्री है वहाँ जब वॉल्यूम है तो कहीं पर उसकी बाउंड्री आएगी कि इतना इतने वॉल्यूम उस वॉल्यूम के बाहर उस वॉल्यूम के अंदर उस बाउंड्री के बाहर उस बाउंड्री के अंदर तो वो जो बाउंड्री पर जो सरफेस है उस वॉल्यूम के उस पूरे सरफेस पर हमें इंटग्रेशन करना है ये एस जो है इस का सरफेस है ये जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम ये पूरा वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम का जो ये बाहरी सतह है सारा, सारा वो सारा बाहरी सतह को हम लोग एस बोल रहे हैं और केवल उस एस पर रहिए इस इंटग्रेशन के समय अंदर क्या है क्या नहीं है उसकी चिंता नहीं करना केवल सरफेस पर रहना और सरफेस जो है उसको छोटे 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 डीए 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 भागों में बांटना तो ये जो ऊपर का सरफेस है केवल केवल इस ऊपर के सरफेस को देखना और इस सरफेस को छोटे छोटे डी में बांटना, अब ये छोटा छोटा डी बन रहा है ये डी बना था भीतर घुस घुस करके हमने डी बनाए थे लेकिन ये डी जो बना रहे हैं ये उसके सरफेस पर ही घूम घूम करके पूरे सरफेस को कवर कर रहे हैं तो ये डी हुआ और उस डी के ऊपर ये वेक्टर है और ये वेक्टर क्या है कि यहाँ इस सरफेस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल डालिए ये जो डायरेक्शन है ये इस डी ए का डायरेक्शन है तो डी ए के डायरेक्शन के लिए उस सरफेस पर आउटवर्ड नॉर्मल डालें उस डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का तो जितना ये क्षेत्रफल लिया गया है उतने मैग्नीट्यूड का वो है ये डी ए तो इस जगह पर आप इस ए वेक्टर को देखें इस इसको इस ये ए वेक्टर यहाँ पर आप उस ए वेक्टर को देखें वो भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये डी ए भी एक वेक्टर है और फिर आप ए डॉट डी ए करें इस जगह पे। ऐसा ही हर डी ए के ऊपर करें और उन सबको जोड़ दें तो ये राइट साइड का इंटीग्रेशन बन गया तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक है क्योंकि एक तरफ आप पूरे वॉल्यूम में किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं अंदर अंदर वॉल्यूम के अंदर अंदर सारे वॉल्यूम पर ये इंटेग्रेशन होना है और यहाँ सिर्फ सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन होना है अंदर से कोई इस इस तरफ कोई उसका उसकी जगह ही नहीं है और तब भी ये दोनों बराबर होते हैं पूरे वॉल्यूम के ऊपर आप उस वेक्टर के डाइवर्जेंस को निकाल निकाल करके और उसको इंटीग्रेट करें और दूसरी तरफ उस वेक्टर को स्वयं आप केवल सरफेस के ऊपर इंटेग्रेट करें डॉट प्रोडक्ट करके ये दोनों आपस में बराबर होते हैं इनके मान आपस में बराबर होते हैं ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है प्रूफ आपको किताबों में मिलेगा इसका तो उसके अनुसार ये डाइवर्जेंस ऑफ ई डीटो वॉल्यूम के ऊपर ये बराबर है ई डॉट डी ए उसके जो सरफेस है जिस जिस वॉल्यूम का जो बाउंड्री सरफेस है वो और दूसरी तरफ है ये टोटल चार्ज उस वॉल्यूम के अंदर में क्लोज सरफेस के अंदर में जो है डिवाइडेड बाय एक्चल नॉट ये कहलाता है इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसिस लॉ और ये कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसज लॉ और अगर कोई मुझसे सिर्फ गॉसज लॉ कहे बोलने को डिफरेंशियल फॉर्म या इंटेग्रल फॉर्म ऐसा कुछ न कहे गॉसज लॉ क्या है तो हम इसको कहेंगे हम इसको कहेंगे ये पॉइंट बाय पॉइंट रिलेशन है ये जिस पॉइंट पर हम ये चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं उसी पॉइंट पर हम डाइवर्जेंस ई लिख रहे हैं और वो बराबर है एक एक बिंदु पर अलग अलग ये बराबर है जबकि ये पूरा मिला जुला करके और अंत में जोड़ करके कितना आ रहा है उसके अनुसार है तो इसलिए ये सामान्यतः गॉसिस लॉ कहा जाता है और इसको डिफरेंशियल फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे और ये इंटीग्रल फॉर्म ऐसा इसको कहते हैं ये आपका परिचित फॉर्म है क्लास स्कूल में जब आपने पढ़ा होगा तो उस समय आपने यही गॉस लॉ के आ, नाम में यही पढ़ा होगा कि ई डॉट डी ए का इंटेग्रेशन इसको फ्लक्स भी कहते हैं ये जो ई डॉट डी एवर ए सर्फेस है इसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सर्फेस क्लोज सर्फेसर से जाता हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लास्क बराबर उसके अंदर का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सल नॉट यह सब तरह से आपने इसको पढ़ा हुआ होगा और इसके एप्लीकेशन भी आपने कई सारे किए होंगे तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें जानने की और अभ्यास में लाने की वो ये है कि अंदर में राइट हैंड साइड में अगर आप देखिए तो अंदर में जितना चार्ज है वो यहाँ लिखा गया है बाहर के चार्ज की यहाँ कोई चर्चा नहीं है इस वॉल्यूम के बाहर भी चार्जेस हो सकते हैं यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे ये सब जगह पर भी चार्जेस हो सकते हैं लेकिन इस इक्वेशन में बाहर वाले चार्जेस का कोई सरोकार नहीं है केवल अंदर में वॉल्यूम के अंदर में जितने चार्जेस हैं उन्हीं को लिखने का है लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आप यहाँ पर ये ई डॉट डी ए निकालने के लिए सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में आप इस डी ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस वॉल्यूम के अंदर हैं उनके कारण भी जो वॉल्यूम के बाहर हैं उनके कारण भी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा रहा है वो कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ केवल अंदर के चार्जेस है राइट हैं राइट हैंड साइड में तो ये अंदर के चार्जेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे नहीं ये सबके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में बाहर में जहां जहां चार्जेस है वो सब मिलके जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पैदा कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने को लिखना है तो ये एक चीज कई बार मिस हो जाती है तो इसको ध्यान में रखने का है फिर इसके कई सारे एप्लीकेशन आपने किए होंगे सबसे जो किताबों में सबसे पहले रहता है पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इस फॉर्म में क्या है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः कि हमारे पास कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसके कारण हम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उसके कारण से किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से वो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको निकालने की कोशिश यहाँ से करते हैं यहाँ से उसका उल्टा काम है चार्जेस अगर मेरे को दे रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं तो कई परिस्थितियों में इसका उपयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होता है कई परिस्थितियों में नहीं भी होता है तो जो एक सबसे पहले हम लोग पढ़ा करते हैं क्लासेस के अंदर में स्कूल्स के अंदर में वो है कि एक पॉइंट चार्ज क्यों है और उसके कारण से और वहाँ वहां से कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताएं और उसके लिए हम लोग कहते हैं कि अच्छा हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं पूरा गोल गोल एक गोल स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं जिसका सेंटर यहीं इस क्यूब पे ले लेते हैं और वो स्फेरिकल सरफेस इस पॉइंट से होके गुज़रता है और फिर हमारे आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं क्या आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं हम कहते हैं इस इस पूरे स्फेरिकल सरफेस पे इसका इस्तेमाल करो इसका इस्तेमाल करो और क्या लिखो e डॉट डी ए इंटेग्रेशन सरफेस के ऊपर और सरफेस के ऊपर बराबर अंदर में जितना चार्ज है ये Q चार्ज यहाँ लिखा है तो Q डिवाइडेड बाय एप नॉट ये इतना ऐसा लिखते हैं हम पहले और फिर इसका इवेल्युएशन करते हैं इसकी गणना करते हैं और यहीं पे बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स है कैसे गन्ना करते हैं क्या है ये ये है कि आप इस पूरे सरफेस के ऊपर जगह जगह पर डी ए लीजिए जगह जगह पर आप अपना डी ए बनाइए कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ ऐसा अलग अलग जगह पर आप डी ए बनाइए और पूरे को इसी तरह से बांटिए और हर जगह ई डॉट डी ए तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कहीं पर भी आप होंगे यहाँ होंगे यहाँ होंगे यहाँ होंगे यहाँ होंगे सरफेस के ऊपर सरफेस पे ये ध्यान रखने का है तो वो सभी पॉइंट्स जो आप ले रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन है रेडियल लाइन है रेडियस है उसी के एलोंग होगी ये पहली बात आप सोचें ई एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन अगर आप इसको ओरिजिन कहें एक्स वाई जेड एक्सेस बनाए और उसके बाद स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करें आर थीटा वाई का तो ये जो डायरेक्शन है वो आर कैप का डायरेक्शन होगा जिधर आर बढ़ता है तो अगर आप यहाँ पर हैं तो ये डायरेक्शन हुआ अगर आप यहाँ पर हैं तो फिर ये डायरेक्शन हुआ आप यहाँ पर हैं तो फिर ये डायरेक्शन हुआ आप कल्पना कीजिएगा दो ये दो डिमेंशन का बोर्ड है लेकिन तो आप कल्पना कीजिएगा स्फेरिकल सरफेस है केंद्र के ऊपर एक चार्ज क्यू है और हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसके सरफेस के किसी पॉइंट पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम बोलते हैं कि वो हमेशा रेडियस के ही डायरेक्शन में रहेगा बाहर की की तरफ तरफ जा जा सकता सकता है है या अंदर जा सकता है। लाइन उसकी वही रहेगी क्यों कैसे हम कह सकते हैं ये क्या हम ऑलरेडी अपनी पुरानी जानकारी कुलम स्लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम तो गॉस थ्योरम, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके और यहाँ फील्ड जानना चाहते हैं तो पहले ही से हमें फील्ड पता है क्या या फील्ड की डायरेक्शन पता है क्या जिसका हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं क्या तो वास्तव में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बिना कहे बिना उस जानकारी का इस्तेमाल किए हुए भी हम ये बात कह सकते हैं क्यों ये यहाँ पर एक बहुत प्रकृति की दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं आप इस रेडियल डायरेक्शन के अलावा कोई दूसरा डायरेक्शन सोचिए मान लीजिए टेंजेंट की तरफ हो मान लीजिए टेंजेंट की तरफ हो तो टेंजेंट की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होना है या एक कंपोनेंट मान लीजिए टेंजेंट की तरफ होना है तो उस पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं इस पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं जैसे आप देखें अगर ये स्फेरिकल सरफेस आप सोचें और यहाँ पर ये डी ए को देखें यहाँ मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है और हम कहें कि टेंजेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए तो कौन सा टेंजेंट आप वो टेंजेंट ऐसे भी खींच सकते आप वो टेंजेंट ऐसे भी खींच सकते आप ऐसे भी खींच सकते हैं आप ऐसे भी खींच सकते हैं आप बहुत तरीके से वो टेंजेंट खींच सकते हैं और ये सारे टेंजेंट एक दूसरे से आप उसमें भिन्नता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वाला स्पेशल है जो जिधर इलेक्ट्रिक मिल का कंपोनेंट होना चाहिए और इस तरह से अगर कई सारे इक्वैलेंट डरेक्शन अवेलेबल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही खास डायरेक्शन लेना है तो फिर इसमें से वो कोई भी डायरेक्शन नहीं ले सकता और उस तरफ उसका कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं हो सकता कॉम्पिटिटर है अगर ये डायरेक्शन आप कहेंगे तो फिर ये क्यों नहीं कहेंगे 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 ये सारे डरेक्शन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी एक को बिना किसी कारण के आप सेलेक्ट नहीं कर सकते बाकियों को रिजेक्ट नहीं कर सकते जबकि रेडियल डायरेक्शन की बात अगर करें अगर हम कहें कि ये इस डायरेक्शन में है तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इस डायरेक्शन का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ये यूनिक डायरेक्शन है बस इसमें बाहर की तरफ या अंदर की तरफ इतनी ही अनसर्टेनिटी है और तब वो चार्ज प्लस है या माइनस है उसके अनुसार वो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बाहर की तरफ या कभी अंदर की तरफ हो सकता है तो इसलिए सिमेट्री के आर्ग्यूमेंट से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जब हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उसका डायरेक्शन हमेशा उसकी तरफ होगा और इस कारण से ये जो ई डॉट डी ए है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इसको आप लिख सकते हैं ई e डी ए डी ए कॉन्स्थीटा होता है साधारणतः आपको याद होगा ई डो ई डॉट दो वेक्टर से करें ए और बी तो लिखते हैं तो ए बी थीटा लिखते हैं जहां थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियल डायरेक्शन में है और ये जो डी ए है वो तो रेडियल डायरेक्शन में है ही आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में इसलिए इनके बीच का जो एंगल है वो हम जीरो लेंगे अगर ई बाहर की तरफ है ई अंदर की तरफ है तो फिर वो माइनस होल करके आएगा और इसलिए ये जो कॉस थीटा है ये वन है और इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे ई डी ए तो ये पहला स्टेप हुआ पहला आर्ग्यूमेंट हुआ हमने नेचर की सिमेट्री को इस्तेमाल करके और इस स्टेप को लाया अब दूसरी दूसरा फिर से अब हम एक नेचर की सिमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सरफेस पे आप यहां लीजिए यहां लीजिए यहां लीजिए वहां लीजिए वहां लीजिए सरफेस पे रहिए केंद्र पे चार्ज है और कहीं किसी चार्ज की हम चर्चा कर नहीं रहे केंद्र पे चार्ज है तो ये पॉइंट जितनी दूर है ये पॉइंट जितनी दूर है केंद्र से ये पॉइंट जितनी दूर है सब बराबर है और कहीं पर भी आप रहें वो पॉइंट और कोई दूसरी जगह रहे वो पॉइंट एक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाए उसके लिए फिर से आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि यहाँ कम क्यों है और वहाँ ज़्यादा क्यों है जैसा यहाँ सिचुएशन है वैसी ही वहाँ भी सिचुएशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हर जगह पर इस सरफेस के ऊपर बराबर होगा यह भी महत्वपूर्ण है तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तब हम कहते हैं कि ये ई पूरे इंटेग्रेशन के दौरान इसका मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है और इसलिए इसको हम इंटेग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, ई डीए आशा लिख सकते हैं। और ये जो है इसमें डीए 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 सबको केवल हमें जोड़ देना है याद रखिएगा वेक्टर नहीं है अब ये केवल मैग्नीट्यूड है तो क्षेत्रफल का मैग्नीट्यूड 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 सारा जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस बन जाएगा और आप जानते हैं स्फेरिकल सरफेस में ये फोर पाई आर फोर पाई इंटू आर स्क्वायर ये इतना बनेगा इस तरह इसका इसका हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं और ऐसा सरफेस चूज इसीलिए किया था कि हम ये सब काम कर सकें हम कोई दूसरे तरह का भी सरफेस बना सकते थे एक चार्ज है और हमने एक ऐसा कुछ सरफेस बना लिया और इस सरफेस पर भी इस सरफेस पर भी ये इक्वेशन सही है क्योंकि गॉस लॉ हर क्लोज सरफेस के लिए सही है लेकिन इस सरफेस पर अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो फिर इसमें से इसको हम अलग से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे यहाँ कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ कुछ और होगा यहाँ कुछ और होगा यहाँ कुछ और होगा डायरेक्शंस जो हैं वो रेडियल नहीं होंगे वो सिमेट्री नहीं होगी तो ये इक्वेशन सही होगा लेकिन इसके आगे हम इसके बढ़ नहीं पाएंगे इसलिए बहुत प्रॉपरली चोजन ये सरफेस होना चाहिए इसको हम लोग गोशियन सरफेस कहते हैं गौस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए गौस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए जो सरफेस हम चूज़ करते हैं उसको हम लोग गौसियन सरफेस कहते हैं तो गौसियन सरफेस का चुनाव ये पूर्ण ढंग से होना चाहिए क्योंकि आगे मुझे ये इंटीग्रेशन करना है तो वो इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे हम सिमेट्रीज का इस्तेमाल करके और ऐसा कुछ बना पाएंगे वो दृष्टि में रखते हुए और तब इस गोशियन सरफेस का हम लोग चुनाव करते हैं और फिर और इसके बाद का तो काम आप जानते हैं ये कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर और राइट हैंड साइड तो क्यू बाई एफ्स नॉट है ही और इसलिए ई e जब करेंगे तो ई e बन जाएगा क्यू बाई फोर पाई एफ्स एलर नॉट आर स्क्वायर किधर रेडियल डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे ई e बराबर क्यू फोर पाई एफ्स एलर नॉट आर स्क्वायर आर कैप ऐसा अगर Q नेगेटिव होगा तो ये पूरा केंद्र की के तरफ हो जाएगा अगर Q पॉजिटिव होगा तो पूरा केंद्र से बाहर की ओर हो जाएगा आर कैप डायरेक्शन के अंदर में तो ऐसे हम लोग लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप Q इन टू आर वेक्टर बाई फोर पाप्स नॉट आर क्यू तो ये सिंपल उदाहरण हमने इसलिए लिया कि जो सिमेट्रीज़ की बात है कि इसको यहाँ से हम यहाँ कैसे ला रहे हैं उसकी चर्चा करने के लिए हमने इसको ऐसा लिया ठीक यही बात होगी ऐसा ही आप आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जैसे मान लें यूनिफॉर्म ली चार्ज पूरे वॉल्यूम है पूरे वॉल्यूम के अंदर में और रो कांस्टेंट है रो इज कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट ऐसा अगर है और उसके कारण से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो भी आप वैसा ही कुछ कर सकते हैं अगर यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट को उस पॉइंट से होते हुए आप फिर से वैसा ही एक स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस खींचिए इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए अंदर में कितना चार्ज है अगर ये पॉइंट इस वॉल्यूम के बाहर है तो ये पूरा का पूरा चार्ज अंदर में है और इसलिए जितना भी चार्ज क्यू है वो राइट हैंड साइड में वही क्यू बाई एफसेल नॉट आएगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में ई डॉट डी आएगा और ये ई डॉट डी ए का इंटेग्रेशन ठीक ठीक यही आर्ग्यूमेंट्स आप देखिए सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स यहां भी लागू हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस रेडियल डायरेक्शन में ही होगी इधर हो सकती है या उधर हो सकती है लेकिन कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका नहीं हो सकता सेम आर्ग्यूमेंट सेम सिमेट्री है यहाँ पे, जैसा ये ये दिख रहा है ये एक यूनिक डायरेक्शन है लेकिन अगर आप उसका टेंजेंशियल कोई डायरेक्शन कोशिश करेंगे तो बहुत सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स मिलने वाले हैं जिनमें आप विभेद नहीं कर सकते और इसलिए सारे आर्ग्यूमेंट्स वैसे ही जाएंगे और ये फिर से वही ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ऐसा बनेगा ये और इसलिए फिर से आपके पास में वही बनने वाला है q बाई फोर पा एफर नॉट आर स्क्वायर ठीक ठीक तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज ही नहीं स्फेरिकली सीमेट्रिक अगर है क्या मतलब मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया स्फेरिकली सीमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका अर्थ है कि जो चार्ज डेंसिटी रो है किसी पॉइंट पे वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है ओरिजिन मैंने यहां लिया है एक्सवाइजेड कोऑर्डिनेट्स है, बनाए हैं एक्सेस बनाए हैं और तब हम आर थीटाफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारा पॉइंट कोई पॉइंट हम ले रहे हैं उस वॉल्यूम के अंदर में और उस पॉइंट को हम ये आर वेक्टर कह रहे हैं तो ये पॉइंट अंदर में यहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है तो उसका मान चार्ज डेंसिटी का मान सिर्फ आर पे डिपेंड करता है थीटा थीटाफाइ पर डिपेंड नहीं करता है तो ऐसा जब हो डिपेंड्स ओनली ऑन आर नॉट ऑन थीटाफाइ तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेरिकली सिमिट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वैसा जब भी होगा तो ये चीज ऐसी की ऐसी आएगी और अगर हमारे ये पॉइंट इसके बाहर नहीं हो करके वॉल्यूम के अंदर कहीं पर हो तब क्या होगा तब भी यही सिमिट्री है फिर आप सारे आर्ग्यूमेंट के की खोज खबर कीजिए यही सिमिट्री है और इसलिए अगर अंदर का भी पॉइंट आप आप लेते हैं हमने ये पॉइंट यहां नहीं हो कि यहां कहीं पर है तो भी वैसा ही कंसेंट्रिक आप स्फेरिकल सरफेस बनाएं और ये फिर से वही e इंटू फोर पाई आर स्क्वायर बनेगा और दूसरी तरफ अंदर वाला चार्ज लिखेगा इतना ही चार्ज लिखना है तो जो अंदर में चार्ज है Q इन केवल उतने को ही लिखना है बाइक अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है तो इसको आप लिख सकते हैं रो इन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अंदर का टोटल चार्ज इसके अंदर का जहां पॉइंट है उस पॉइंट से जो स्पेरिकल सरफेस बनाया आपने जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं आपका चार्ज यहां तक फैला हुआ है आपका चार्ज यहां तक फैला हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चाहिए तो इससे जो स्पेरिकल सरफेस बनाए हैं इसके अंदर का चार्ज चाहिए तो इसके अंदर का ही वॉल्यूम हम लिख रहे हैं यहाँ पर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो अगर रो कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो और फिर यहाँ से आप इसको कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ई जो है वो है रो इन आर बाई थ्री ऑप्शन और अगर आप वेक्टर में लिखें ई तो बराबर रो आर रेडियल डायरेक्शन है अगर रो नेगेटिव है तो वो अंदर हो जाएगा रो पॉजिटिव है तो वो बाहर हो जाएगा और अगर आप इसको ये चित्र आपका जाना पहचाना है आर के अगेंस्ट अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को केवल प्लॉट करें ये मैग्नीट्यूड है तो देखें आप ये आर बढ़ रहा है ई बढ़ रहा है लीनियर है ऐसा कब तक जब तक आप यह इसके अंदर हैं सरफेस तक और उसके बाद ये और ये कैसा है वन बाय आर स्क्वायर वेराइटी है तो इसका ग्राफ ऐसा है ये आप ये चित्र आपको आपको जरूर याद होगा ऐसा हम लोग करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर के अंदर अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है स्पेरिकली सीमिट्रिक है तो फिर अलग अलग आर पे अलग अलग रो हो सकते हैं तब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तब हम लोग फिर से उस जो भी रो हमें दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ आर उसका इस्तेमाल करके और इसका टोटल चार्ज निकाल करके अंदर का तब फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे और ऐसा बनाएंगे हम कुछ दूसरी सिमिट्रीज की चर्चा अगले क्लास में करेंगे